ना गम में दम ना कोई धोखा ना कोई गम कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। कभी याद आते हैं ये नथुलाल बनके तो कभी तैयब अली, नाम इनका मोहम्मद उमेर मुकरी। देख भाई, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा था मच्छिंद्रनाथ, मगर तुम लोगों ने काट पीट कर माछी कर दिया, अब मैं फिर से मच्छिंद्रनाथ हो गया हूँ। जबरदस्त एक्टर कॉमेडियन मुकरी की दास्तां है ये। जन्म हुआ था इनका 5 जनवरी सन 1922 में, और हैरानी इस बात की होती है कि इनकी शुरुआत दिलीप कुमार के साथ हुई थी। जी हाँ, वही यूसुफ खान जो कि मुकरी के स्कूलमेट थे। अपने महाराजे ना वो इलाज के लिए विलाज जा रहे हैं, इसके लिए सबको राम राम जपना चाहिए। लाली मां सदा अभी आया, अभी आया। ये बात भी मशहूर है कि मुकरी साहब दरअसल एक काजी की तरह काम किया करते थे। बच्चों को ये कुरान पढ़ाया करते थे और बाकी की धार्मिक गतिविधियों में ही ये व्यस्त रहा करते थे। बोला, आज का अखबार पढ़ा, कुछ खबर सुनी, अपने शहर में रोजाना 4,424 आदमी भूखे सोते। ये बात भी बड़ी दिलचस्प है। जब ये एक मदरसे में बतौर काजी काम कर रहे थे, तब माहे रमजान में इनकी मुलाकात हुई दिलीप कुमार से, और ये मुलाकात भी इस तरह से रही कि मुकरी साहब ने कहा कि देखो यूसुफ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, पैसे की बहुत तंगी है, समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। और तब दिलीप कुमार साहब ने बॉम्बे टॉकीज की ओनर देविका रानी से इनकी सिफारिश की। ये बतौर जूनियर असिस्टेंट लग गए बॉम्बे टॉकीज में, कुछ पैसे भी कमाने लगे और धीरे धीरे एक्टिंग में भी इनकी बात जम गई। ठहरो, हट जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। सांस रोको, जाता कहाँ? मैं शर्त लगाता हूँ कि ये मियाँ बीवी हैं। तुमने किस तरह पहचाना? देख, अगर ये मियाँ बीवी न होते तो नाक खींचते समय चीखता, कान खींचते समय चीखता, बाल खींचते समय चीखता, भूसे मारते समय चीखता। हाय, मगर वो न चीखा, मालूम पड़ गया कि जूते खाने का आदी है, इसलिए पति के सिवा और कोई हो नहीं सकता। तकरीबन 50 साल लंबा करियर रहा इनका, और बड़ी अनोखी यादें। अमिताभ बच्चन का वो अनोखा डायलॉग फिल्म शराबी से अब भी याद आता है कि मूछे हो तो नथू लाल जैसी। आइडिया सरकार, मेरा लास्ट आइडिया, इतना अच्छा दिमाग बर्बाद हो रहा है, इससे कुछ तो फायदा उठाइए। तैयब अली के सामने अकबर इलाहाबादी की वो कव्वाली याद आती है, और मुकरी साहब के चेहरे की मुस्कुराहट, जिसकी वजह से बॉम्बे टॉकीज में इन्हें रोल भी मिला था। क्या है, जल्दी बोलना, क्या है आज रात को? आज रात को मेरा जी हलवा पूरी खाने का है। जल्द तेरी की, वो भी कोई खाने की चीज है? और नहीं तो क्या। कहां मुर्गी, कहां हलवा पूरी। मैं कहता हूँ आज मुर्गी पकेगी। मैं कहती हूँ आज हलवा पूरी पकेगी। मुर्गी पकेगी, हलवा पूरी पकेगी। रज्जू, तो ला मेरे पैसे। नहीं नहीं दोगे मैं पैसे? मैं कहता हूँ मेरे पैसे दे दे। नहीं, मैं दे, दे, दे। एक किस्सा यूँ भी मशहूर रहा कि जब महबूब खान साहब फिल्म आन बना रहे थे और उसमें एक नई लड़की नादिरा को लॉन्च कर रहे थे, तब मुकरी साहब को भी एक रोल के लिए चुना गया। उसके हीरो तो दिलीप कुमार ही थे, और पूरी यूनिट को आउटडोर शूटिंग के लिए ले जाया गया। सभी के लिए कमरों का इंतजाम किया गया था, लेकिन मुकरी साहब ने कहा, अरे मैं तो अपने बचपन के दोस्त यूसुफ के कमरे में ही ठहरूंगा ना, मुझे किसी और कमरे में रहने की क्या जरूरत है। और रात के अंधेरे में यह गलती से यूसुफ खान के कमरे की जगह नादिरा के कमरे में घुस गए। जैसे ही रजाई में घुसे तो नादिरा चिल्लाई और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। तब किसी तरह से दिलीप कुमार साहब ने मुकरी साहब को संभाला और कहा कि इस तरह की अजीबोगरीब शरारत ना किया करो मियां, और फिर इनके लिए एक अच्छे कमरे का बंदोबस्त करवाया गया। ये बाजे, बाजे, कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है और मेरा दिल बहुत धड़कता है, बहुत कमजोर है, फौरन बंद हो जाएगा। मुकरी साहब से फिल्मों में ही लोगों को नहीं हंसाते थे, इनकी डायलॉग डिलीवरी ही लोगों के दिल को नहीं गुदगुदाती थी, बल्कि प्राइवेट पार्टीज में भी अक्सर ये जानबूझ के कोई ना कोई गलती ऐसी करते कि महफिल हंसी के ठहाकों से गूंज उठती। भाइयों, आपकी मुसीबत को देखकर हमारे महान दाता का हृदय
खून के आंसू हो रहा है, इसलिए वो अपने कपड़े नीलाम करेंगे और उससे जो आमदनी होगी वो गरीब भाइयों के लिए खर्च करेंगे। मुखरी साहब ने तकरीबन 600 फिल्मों में काम किया और जब धीरे धीरे बुढ़ापा नजदीक आने लगा तब बालाजी प्रोडक्शंस की एकता कपूर ने इनसे कहा कि आप आइए और मेरे एक टेलीविजन सीरियल में काम कीजिए। मुखरी साहब ने इनकार कर दिया। फिर जितेंद्र साहब ने फोन किया, तब भी मुखरी साहब ने कहा कि देखो जितेंद्र, पता नहीं मैं कितने वक्त और जीऊंगा, अगर मैं अभी काम शुरू करता हूँ और काम अधूरा रह गया तो तुम्हारी बेटी का नुकसान हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता। मुखरी साहब ताजीवन बड़े ही धार्मिक इंसान रहे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बाबा, मेरा नाम है वीर घटोत्कच उर्फ गट्टू। पट्टू? बट्टू नहीं बाबा, गट्टू। गट्टू? ओ, गट्टू। इस कुटिया में काम करते हो? कुटिया बाबा, ये कुटिया नहीं, ये तो राजमहल है, राजमहल। अरे बैरागी बाबा के लिए कुटिया और राजमहल दोनों एक समान है, बूढ़े की सेवा करते हो? नहीं बाबा, मैं तो युवराज का सेवक हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, सबसे बड़ा सेवक हूँ। अरे बैरागी बाबा के लिए युवराज और घोड़े भी एक समान है। हाँ, अगर किसी महाराज की सेवा करते तो? बाबा लेकिन उनके महाराज बनने में देर ही क्या है, इसी पूर्णमासी के बाद बसंत पंचमी को उनका राज तिलक है। बसंत पंचमी? हाँ बाबा, राज तिलक। अगर बसंत पंचमी को उनका राज तिलक है तो हम सबका कल्याण है। हाँ बाबा, आपके मुंह में की शक्कर। निरंजन हंसते खिलखिलाते रहते और दुनिया को भी हंसाते रहते। बड़े से बड़े हीरो के सामने मुखरी साहब की एक्टिंग बड़ी अनोखी लगती। भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो कि जो भी कहोगे सच कहोगे। भगवान को हाजिर नाजिर करके कहो जो भी कहोगे सच कहोगे। तुम सच कहोगे? तुम सच कहोगे। मैं नहीं तुम। मैं नहीं तुम। फिर चाहे वो दिलीप कुमार साहब रहे क्या अमिताभ बच्चन। वकील साहब, भगवान की दया से हमारे यहाँ 13 गाय और 12 भैंसे हैं। एक भैंसा भी है। भैंसा? कौन सा? तू। 4 सितंबर सन 2000 को वो वक्त आया जब मुखरी साहब ने मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ली। तब ये 78 साल के थे। मुखरी साहब के दो बेटियां रहीं, नसीम और अमीना, और 3 बेटे, नासिर, फारूख और बिलाल। इनके बच्चों में से इनकी एक बेटी नसीम मुखरी फिल्म धड़कन और हाँ मैंने भी प्यार किया जैसी फिल्मों के डायलॉग्स लिख चुकी हैं। इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा धड़कन का और उसमें एक्टिंग भी की। यकीनन मुखरी साहब जैसा कॉमेडियन ना कोई था और ना ही कोई और होगा। हा, क्या नम्रता है, क्या आजीजी और इनकी सारी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।